हाय भाई लोग, कैसे हो? होप आप लोग ठीक, सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा हाउ टू गिव हेडशॉट एनिमीज इजीली। तो गाइस, आपने ज़रूर राय स्टार और बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा ड्रैग हेडशॉट मारते हुए। देखो, बैकग्राउंड में मैंने अपने गेम पे चला गया, बहुत ओपी हेडशॉट लग रहा है। वो कैसे लगेगा मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक और एक बंदे से तो गाइस जरूर शेयर कर देना। गाइस सपोर्ट करना हमारे चैनल को, और गाइस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा गाइस कैसे इजीली हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एक इंट्रो के साथ। तो गाइस, हेडशॉट मारने के बहुत ट्रिक्स होते हैं। यहाँ देखो, मैंने बंदों को हेडशॉट मारा, कैसे वो आप पूछोगे। तो गाइस, हेडशॉट मारना इतना भी आसान नहीं होता, हेडशॉट के लिए आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और गाइस पहला मैं दिखा दूँ आपको, ठीक है, पहला एक क्लिप दिखा देता हूँ। तो गाइस आगे उस क्लिप में, ठीक है, अब देखो मैंने क्या मारा, अभी हेडशॉट। एक चीज़ आपने गौर की गई, अब देखो गाइस गौर से देखना, ठीक है, मैंने जो कहा था जो आपने देख लीजिए, फायर बटन की तरफ ध्यान से देखो। गाइस देखो सामने बंदा, ये देखो गाइस क्या क्या मैंने क्या क्या आपने गौर किया गाइस आपने गौर। सो गाइस, क्योंकि आपने गौर नहीं किया तो मैंने और एक क्लिप ला गया, यहाँ फायर बटन की तरफ देखो। ये है मेरा क्रॉसर, और क्रॉसर और एनी के माज में देखो थोड़ा डिफरेंस है। अब देखो गाइस डिफरेंस क्यों रखा मैंने, वो आपको समझा रहा हूँ। देखो गाइस, डिफरेंस का थोड़ा मतलब ये होता है, देखो फायर बटन का मैंने क्या किया, थोड़ा राइट में घुमाया, उसके बाद मैंने ऊपर लिया। इससे क्या होता है गाइस, पहले ये देख लो, फिर इसमें देखो गाइस गौर से, बंदा क्रॉस एयर के लेफ्ट में है, तो मैंने फायर बटन को थोड़ा लेफ्ट में किया, नहीं हुआ। तो गाइस मैंने फिर से ट्राई किया, देखो बंदा लेफ्ट में, तो मैंने लेफ्ट में लिया। तो गाइस ये वाइट वाला दाग तो गाइस गलत साइड लग गया, इसको अब मैं लेफ्ट प्लस साइड लगाना चाहता था। तो गाइस यहाँ पे भी देखो, बंदा क्रॉसहेयर के किस साइड है, देखो अभी नहीं लगा, रिकॉइल कर गया। तो गाइस बंदा क्रॉसहेयर के लेफ्ट साइड है। अब देखो मैं क्या करूँगा, क्रॉसहेयर को फिर से वापस ला के मैं फिर से ट्राई करूँगा, बंदा लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट साइड पहले फायर बटन को ले जाके ऊपर खींच लूँगा, जिससे कि गाइस गाइस क्यों हुआ आप लोग बताओ गाइस। फिर ये देखो गाइस, एक बात समझो कि हम जब ये देखो मारते हैं ना, इजीली हेडशॉट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि गाइस हम जब बॉडी पे मारते हैं तो एम बॉडी पे लॉक हो जाता है। गाइस अगर आप चाहते हो कि एम को बॉडी में लॉक ना होने दे, तो गाइस आप एक ही काम कर सकते हो। वैसे आपको क्या करता है, अगर आप डाई लेके फिर ऊपर उठाते हो तो गाइस एम लॉक नहीं होता इजीली, यही होता है इसका लॉक। गाइस आपको क्या करना है, एम सीधे नहीं ले जाना, थोड़ा राइट में, ये देखो गाइस राइट लेफ्ट में था तो क्रॉसर के राइट था, मैंने मार दिया। क्रॉसर के लेफ्ट में था तो गाइस मैंने फायर बटन को लेफ्ट से ऊपर ले गया। ऐसे गाइस आपको करना है, आपको गाइस प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब आपको थोड़ा समझा दूँ अच्छे से, अब इसमें देखो गाइस ठीक से देखना, ठीक है, इसमें एकदम गौर करके देखना गाइस, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, कोई गलती नहीं आता। और गाइस याद करवा दो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो गाइस पीछे बंदा है, क्रॉसर को देखो गाइस, बंदा क्रॉसर के राइट साइड में है, तो मैं फायर बटन को क्या कर रहा हूँ, फायर बटन और क्रॉसर दोनों के साइड देखो, फिर से एक बंदी आई, मैं फिर से राइट में लेके ऊपर ले रहा हूँ गाइस हेडशॉट। तो गाइस इसी को आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। हेडशॉट मारना गाइस आसान बात नहीं, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप अगर सोचोगे, अगर गाइस देखो अगर राइट साइड में क्रॉसर के बंदा है तो आप राइट साइड से लेकर ऊपर ले जाओ, और अगर गाइस लेफ्ट साइड से है तो गाइस आप फायर बटन को लेफ्ट साइड से लेकर ऊपर ले जाओ, ठीक है, अच्छे से ऐसा करना। तो गाइस और एक दिखा देता हूँ, और एक क्लिप गाइस देखो यहाँ, ठीक है, मैं लेफ्ट में बंदा मिला मुझे, मैंने अब मेरे क्रॉसर को ठीक किया, क्रॉसर पे आपको ध्यान देना है। देखो गाइस नहीं लगा,
फिर मैंने यूएमपी निकाला, क्रॉसहेयर के लेफ्ट साइड में बंधा तो मैं लेफ्ट साइड से खींचा। देखो गाइस, पहले लेफ्ट साइड, उसके बाद लेफ्ट से ऊपर। अब देखो गाइस, फिर से मैंने थोड़ा घुमा के ऊपर ले लिया। ठीक है गाइस, यही होता है गाइस ट्रिक। अब देखो इसमें भी मैंने राइट साइड लेके ही खींचा। तो गाइस इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आज मैं गाइस डिटेल में बताने वाला था गाइस, पर मुझे जल्दी है, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा गाइस, तो सॉरी गाइस। पर ये ट्रिक को आप अगर ठीक से प्रैक्टिस करके खुद ही आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर खुद सीख गए ना तो गाइस आपको हेडशॉट मारना बहुत ही ईजी हो जाएगा गाइस। तो गाइस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो गाइस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही मैंने जो ट्रिक्स देखा, आप फिर से एक बार देख सकते हो, जितनी बार ना समझो उतनी बार देखो गाइस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस शेयर कर देना एक दोस्त में। और गाइस ये इसमें टिप्स में अगर आपका हेडशॉट लगे ना तो गाइस एक हेल्प कर देना, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, और कुछ बंदों को बोल दो कि हाँ भाई ये बंदा आपको हेडशॉट मारना सिखा देगा, आप ये कर सकते हो, तो उसको बोल दो। और एक बात गाइस, आपको क्रॉस है ना सिर के ऊपर रखना है, ठीक है। और गाइस मैंने जो सेटिंग कहा था सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, वो तो आपके जानते ही हो, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक करो। और गाइस क्रॉसहेयर को मिट्टी पर नहीं लाना, मिट्टी से ऊपर रखना, ठीक है गाइस। और गाइस ये ख़त्म पे बोल दिया गाइस, अब आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, आपको समझा दिया। अब देखो गाइस ऐसे ये मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक है गाइस। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।